हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम वेलकम बैक इन 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी क्लास, चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे अबाउट द नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टैक्सोनॉमी। नाउ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। कल मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि टैक्सोनॉमी जो होता है वह क्या होता है, एक एक टैक्सा होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन ने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था, जैसे मैंगो है आम, उसका कॉमन नाम, तो हमने उसका किस तरह से उसका साइंटिफिक नेम दिया था, मेंजीफेरा इंडिका। तो इसके लिए एक पूरा एक टैक्सोनॉमिकल होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले है किंगडम। तो किंगडम में हमने उसको मैंगो को किसके अंदर डिवाइड कर दिया कि वह क्या है, वह प्लांट है या एनिमल। तो मैंगो क्या है, प्लांट। तो यह उसका किंगडम हो गया कि या तो प्लांट है या फिर वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया मीन्स जिसमें एनिमल आते हैं, तो अपने इसमें मैंगो प्लांट में आता है, तो उसका किंगडम क्या हो गया, प्लांट। फिर उसका फाइलम, फाइलम कि वह किस कैटेगरी के अंदर आता है, हुँ? कि जैसे अगर कोई भी प्लांट होता है तो वो या तो मोनोकोट होता है या डाइकोट, ठीक है। एंजियोस्पर्म होते हैं, उसका एक क्लासिफिकेशंस होता है, हैं? तो इसमें सबसे पहले आएगा मोनोकोट या डाइकोट, तो यह होता है डाइकोट, तो यह इसका फाइलम हो गया। फिर उसके यहाँ पे क्लास हो गई कि डाइकोट में भी किस तरह का है, वो एंजियोस्पर्मिक है कि या जिम्नोस्पर्मिक है। जो प्लांट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है ना, वन सेल से मल्टी सेल और हायर प्लांट तक, तो वह किस क्लास में आता है। फिर उस क्लास में आने के बाद भी यहाँ पर उसमें फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, हुँ? ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसे यहाँ पर अपने ऑर्डर में डाल दिया। फिर ऑर्डर से, ऑर्डर में डालने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स में ऐसे सब कैरेक्टर्स मिल देखने को मिलते हैं सेम टू सेम, तो उससे एक डिफरेंट कैरेक्टर जो आता है उसको इस फैमिली में डाल दिया। फैमिली में भी बहुत सारे जो मैंगोस थे इस तरह के, कोई उसके आसपास के कोई फ्रूट के जिसमें बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स आ रहे थे फैमिली में, तो उसको फिर से अलग करके जीनस में डाल दिया, जो जीनस क्या था, मेंजीफेरा। फिर यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, मेंजीफेरा इंडिका। जैसे हम अपने सरनेम, अपने नेम के साथ में सरनेम लगाते, वैसे ये इसका नेम और ये इसका सरनेम, ये स्पीसीज। तो ये जीनस और स्पीसीज मिलकर के बनते हैं उसका साइंटिफिकली नेम। तो इसको देखिए, मैं आपको विद एग्जांपल से अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे आप इंडेक्स देख रहे हैं, इस इंडेक्स में देखिए, यहाँ पे हम अपना ही क्लासिफिकेशन लेते हैं, ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, जिसमें जो मेन फोर कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फोर कॉमन नेम, उनका देखिए बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे अपना मेन, ठीक है, अब मेन जो है उसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, किंगडम। किंगडम किस में आता है, वो किंगडम है मेन का एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। अब मेन क्या होता है, उसका फाइलम, अब किंगडम के बाद में मैंने क्या बताया था, फाइलम। तो फाइलम उसका कौन सा आता है, मेन का, तो फाइलम है कोर्डेटा। कोर्डेटा मीन्स जिसके बैकबोन होती है, हुँ? फिर क्लास, क्लास जो होती है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ग्रुप से टिश्यू वाले ग्रुप, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से वेल डेवलप बॉडी के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। और जिसमें सबसे हाईएस्ट क्लास जो होती है एनिमल्स की, वो आती है मेमेलिया, जिसके अंदर वे अपने बेबी को बर्थ देते हैं। तो हम यहाँ पे ह्यूमन का कर रहे हैं, तो उसका फाइलम कोर्डेटा उसकी बैकबोन होती है, और जिसकी नहीं होती है उसका फाइलम हो जाता है नॉन कोर्डेटा। और यहाँ पे क्लास मेमेलिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे एंड में वेल डेवलप जो एनिमल्स के अंदर जो गिना जाता है वह ह्यूमन होता है, तो उसकी क्लास कौन सी हो गई, मेमेलिया। फिर प्रीमेटा, हाँ, अब मेमेलिया में भी बहुत सारे मेमल्स आते हैं, डॉग, कैट, हाँ, बेट, रेट, सब कुछ, लेकिन इससे भी अलग आता है कौन से, प्रीमेट्स। प्रीमेट्स के अंदर क्या आते हैं, मंकी, चिंपांजीज, गोरिलास, ये सभी एपीस आते हैं, तो ये प्रीमेट्स कहलाते हैं। अब प्रीमेट्स के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था कि फिर से प्रीमेट में क्या क्या आ रहे हैं, मंकीज, गोरिला, एपी, लेकिन इसके अंदर भी जो मंकीज होते हैं उन्हें निकाल दिया, और इसमें जो अपने दोनों लेग्स के ऊपर स्टैंड स्टेट होकर के चलते हैं वो कौन से होते हैं, चिंपांजी, गोरिला, और ह्यूमन, तो उन तीनों को इसके अंदर डाल दिया फैमिली में ह्यूमिनिडी। फिर यहाँ से वापस इसमें डिफ्रेंशिएशंस आ जाता है क्या, कि वहाँ पे चिंपांजी, गोरिला जो होते हैं उनमें थोड़े एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, फेस जो होता है उनका इस तरह का लगता है, और ह्यूमन का फेस थोड़ा डेवलप लगता है, चीन वगैरह, हाँ। तो यहाँ से वो यहाँ से तो मंकीज अलग हो गए थे प्रीमेट्स में, और यहाँ पे अब चिंपांजी, गोरिला से निकल के
ओनली ह्यूमन रह गया है। और ये कौन सा ह्यूमन है? होमो, होमो मीन्स अर्ली ह्यूमन, जो पहले का फर्स्ट फर्स्ट इंसान बने थे, जिन्हें जो गुफा में रहते थे, जंगल में शिकार करते थे, वो वाला अर्ली ह्यूमन, वो कहलाता होमो। और जो लास्ट में जो इसका वेल डेवलप क्लासिफिकेशन हुआ है, जो लास्ट में इसे साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसके बाद में ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज बन गई है ह्यूमन की, वो है होमो सेपियन। इसके बाद में इसके किसी भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरे यूनिवर्स में मैन को होमो सेपियंस के नाम से बुलाया जाएगा, जो आज का मॉडर्न मैन कहलाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरह से आपको समझ में आया पूरा अच्छी तरह से इंडेक्स से, कि पहले किंगडम, किंगडम मतलब या तो प्लांट या एनिमल, फिर उसका फाइलम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ठीक है, फिर उसकी क्लास, क्लास के अंदर मैमल्स, जितने भी यंग वंस को बर्थ देने वाले होते हैं वो सब मैमल्स, फिर प्रीमेट्स, प्रीमेट्स जितने भी इसके अंदर जिसमें कैरेक्टर्स ह्यूमन जैसे आते हैं, जिसके टू लिम्स और टू हिंड लिम्स और टू फोर लिम्स, यानी दो हाथ दो पैर होते हैं, हाँ, और जिसके अंदर टेल वगैरह, तो वो सब प्रीमेट्स के अंदर। लेकिन इसमें भी वापस डिफ्रेंशिएट्स आ जाता है वो होमिनिडी में, कि जो टू लेग से स्ट्रेट चलते हैं, जिनका ब्रेन थोड़ा वर्क करता है, जो ह्यूमन जैसा थोड़ा बिहेवियर करते हैं, लेकिन उनमें इमोशंस नहीं होते, तो यहाँ पे इमोशंस वाला और वेल डेवलप फेस वाला और हेयर ग्रोथ कम वाला हो गया होमो, जो एक ह्यूमन ही था, जो अर्ली ह्यूमन। अब जो मॉडर्न मैन है वो, जिसने बहुत ज़्यादा ब्रेन को अपने डेवलप कर लिया है, न्यू टेक्नोलॉजी में लाइव कर रहा है, वो हो गया होमो सेपियन। आ गया स्टूडेंट समझ में ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज किस तरह से क्लासिफाइड करते ऑर्गेनिजम्स को? यहाँ पे आपके मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, इन चारों के यहाँ पर ये साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं और इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से आपको 11th की स्टडी में आगे कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग, इसका भी साइंटिफिक नेम के साथ में पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अब आपको टेक्सोनोमी समझ में आ गई कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके अलग की कैटेगरी में डाल के उसके इंडिविजुअल आइडेंटिफिकल नोमेनक्लेचर नेम से उसको पहचाना जाता है, जो लास्ट नेम पूरे यूनिवर्स में उसी नेम से जाना जाता है। जैसे हमें अपने नेम और सरनेम के साथ जाना जाता है, वैसे ही एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोब्स हो, तो उसको भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से क्लासीफाई किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब इसको अपन, मैं आपको इसके डिफाइन समझ लेती हूँ कि एक्चुअल में जीनस, किंगडम जो मैंने आपको बताया वो होते क्या है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की गई है वो लास्ट स्टार्टिंग की गई है जीनस से, और लेकिन यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? किंगडम से। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो देखने से हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि वह प्लांट है या एनिमल, वो आइडेंटिफाई करके हम उसे क्लासीफाई करते हैं नोमेनक्लेचर, और सबसे पहले हम उसे किंगडम में डालते हैं। अगर हमें मैंगो दिख रहा है तो प्लांट किंगडम में, अगर हमें फ्रॉग दिख रहा है तो एनिमल किंगडम में। अंडरस्टैंड? तो ये किंगडम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला, एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल एनिमल्स। किसी भी जो फर्स्ट फर्स्ट हमें कोई स्पीसीज दिखाई देती है कि हमें कैटेगरी में डालना है ये प्लांट है ये एनिमल है, तो वहाँ से जो स्टार्टिंग उसकी कैटेगरी होती है फाइला की, वह दो कैटेगरीज में, यहाँ तो एनिमल्स या फिर प्लांट, तो वह कहलाता है किंगडम। ठीक है, किंगडम कौन से है? टू, या तो अगर प्लांट है और या फिर एनिमल्स है, बॉटनी या जूलॉजी। अंडरस्टैंड? अब किंगडम के बाद में हम उसे वापस प्लांट में भी डिफ्रेंशिएट हो गए, एनिमल में भी, उसकी क्लास वाइज, कोई यूनिसेलुलर है, कोई कैसा है, कोई है ना एक ऐसा प्लांट है कि जिसके सिर्फ रूट आ रही है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके रूट और स्टेम है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके रूट स्टेम लीव्स है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके सारे वेल डेवलप ऑर्गन्स है लेकिन जिसमें फ्लावर्स नहीं आते, कोई ऐसा बहुत लार्ज ट्री है जिसके अंदर रूट स्टेम ट्री जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के लीव्स है, उसकी ब्रांचेस है, मैनी ब्रांचेस, फिर फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो उसे हायर उसके ग्रुप के अंदर डाल दिया, उसको क्लासीफाई किया उसकी कैटेगरी के हिसाब से। हाँ, जैसे एनिमल्स में भी होता है, यूनिसेलुलर टिश्यू वाला, ऑर्गन वाला, ऑर्गन सिस्टम वाला, वेल डेवलप बॉडी वाला। वेल डेवलप बॉडी में भी जो एक देते हैं वो अलग, और फिर लास्ट ग्रुप आता है यंग वंस को बर्थ देने वाला। वो इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसका, जिस तरह से उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी तरह से, तो वह इसका ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, क्लास मेमल्स, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल बिलोंग्स टू वन फाइलम कोर्डेटा। अंडरस्टैंड? तो यह इसकी क्लासेस जो थी ना,
उसके हिसाब से आता है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में फाइलम। समझ में आया? कोर्डेट मीन जिसके भी बैकबोन्स होती है, और बैकबोन वाली एनिमल्स के अंदर क्लासेस स्टार्ट होती है एम्फीबिया से, एम्फीबिया फ्रॉग, फिर पीसीस फिशेस, फिर आता है रेप्टाइल्स जिसके अंदर सभी लिजार्ट वगैरह आते हैं, स्नैक वगैरह जो क्राउल करते हैं, फिर आता है एवीस, बर्ड्स, और उसके बाद में मेमेलिया। ये सब कोर्डेट्स होते हैं उसको फाइलम कोर्डेट के अंदर। और नॉन कोर्डेट जिसके बैकबोन नहीं होती है, हाँ, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हाँ, और सी एनिमल्स आते हैं, वो सब नॉन कोर्डेट। तो इस तरह से एनिमल को क्लासीफाई करने के बाद भी उसको फाइलम के अंदर डाल दिया कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के हिसाब से। किंगडम प्लांट एनिमल और फाइलम कोर्डेट नॉन कोर्डेट, और प्लांट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट, एक सीड वाला और दो सीड वाले, ठीक है। अब इसके बाद में डालते हैं उसको क्लास को। क्लास क्या होती है? मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जिस कैटेगरी का होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमेटा एंड कार्निवोरा बिंग्स टू वन क्लास मेमेलिया। जैसे यहाँ पे प्रीमेटा क्या बताए थे मैंने, चिंपांजी, गोरिल्ला, और कार्निवोरा मीन्स जो अपने लायन वगैरह जो होते हैं जिसके अंदर कैट्स होती है, वो दोनों एक दूसरे से पहचान वाली होती है, लेकिन अपन क्लास में अगर डालेंगे तो वो मेमेलिया में डालेंगे जिसके अंदर कैट फैमिली पूरी निकल के चली जाती है। अंडरस्टैंड? हाँ, ये समझ में आया। अब इसी तरह से वापस यहाँ पर इसके बाद में क्लासीफाई होकर के हायर इस क्लास के अंदर भी, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि मेमेलिया में भी सारे मेमल्स एक साथ आ गए, या प्लांट है तो प्लांट के अंदर भी इस तरह की क्लास आ गई जिसके सेम कैरेक्टर मिलते हैं, वो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से भी कुछ एक को अपने को क्लासीफाई करना है तो निकाल के उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर निकालें। तो जैसे अगर एनिमल्स को निकाला है तो इसमें से लायंस, लेपर्ड वगैरह अलग कर दिया, प्रीमेटिस को निकाल दिया, उसको इस ऑर्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है, प्रीमेट्स को, जिसके अंदर एपीज, मंकीज, गोरिल्ला ये आए। और अगर प्लांट है तो उसकी फैमिली के हिसाब से होती है सोलेनेसी, फेबेसी, ये सारी उसकी फैमिलीज होती है, तो उसके हिसाब से उसके जो कैरेक्टर होते हैं रिलेटिव, हाँ, वो उसके ऑर्डर के अंदर डाल दिए। ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटिव फैमिलीज, फैमिलीज से रिलेटेड ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरह से एनिमल और प्लांट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लासिफाइड हुआ, किंगडम से, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। अब फैमिली, फैमिली के अंदर जैसे मैंने ह्यूमन का बताया था कि उससे एपीस, गोरिल्ला, यहाँ तक ऑर्डर्स में सब एक जैसे आ गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ अपन ने यहाँ क्लास में से क्या अलग कर दिया था, एपीस में से मंकीज को निकाल के इसमें डाल दिया था अपन ने, किसको, सिर्फ चिंपांजी, गोरिल्ला को। फिर यहाँ पे आया था ओनली होमो, ठीक है, सिर्फ अर्ली ह्यूमन, जो लास्ट स्पीसीज फर्स्ट जो यहाँ पे डेवलप हुई वो आ जाएगी फैमिली में, फिर जीनस की, जिसके बाद अभी मॉडर्न जो उस जो टेक्निक में जो अभी चल रहा है जैसे मॉडर्न मैन, तो उसका नाम अपन ने दे दिया यहाँ पे लास्ट जीनस के अंदर होमो सेपियन सेपियन, तो वह हो गया लास्ट जीनस, ये नेम और ये सरनेम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरह से एक एनिमल से लेकर के जीनस तक की कैटेगरी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है। जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड साइंसेस विथ कॉमन कैरेक्टर्स। पैंथेरा इज द जीनस विच इंक्लूड लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जीनस में वो वाली रिलेटेड स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, कौन कौन से जीनस में, जैसे हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होमो आता है जैसे जीनस में, वर्ल्डली ह्यूमन, वैसे ही अगर लायन फैमिली है तो उसमें देखिए कैट फैमिली में टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सभी एक जैसे दिखते हैं। हाँ, किसकी वजह से, सब कैट ये सभी एक जैसे दिखते, तो इनमें कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स होंगे वो एक ही रहे होंगे, लेकिन इनके आगे डिफ्रेंशिएशंस होके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली से होते हुए जीनस तक डिफ्रेंशिएशंस आ गए होंगे। तो इसमें से अब जीनस के बाद में आता है लास्ट स्पीसीज, तो इसमें से सिर्फ एक पैंथर को ही निकाल करके इसमें से ये अलग कर दिया, ये जो पैंथेरा लियो है वह लायन को अलग कर दिया, तो यह इसकी स्पीसीज हो गई जीनस से भी ऊपर लास्ट क्लासिफिकेशन। हाँ, अब इसमें से पैंथेरा पर्डस के अंदर इसको निकाल के सबसे अलग कर दिया, ये जीनस में तो ये सब आ रहे थे लेकिन स्पीसीज में इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमारी फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबका सरनेम एक है, हमारी मम्मी पापा का जो सरनेम है वह बच्चों का है, तो वो सब हो गया जीनस, लेकिन उसमें से हमारा पर्टिकुलर नेम जो है उसके साथ में हमारा सरनेम, तो वो हो गया स्पीसीज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरह से क्लासिफिकेशन आ गया। हाँ,
यहाँ पे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम स्टार्ट होता है किंगडम से। अंडरस्टैंड, यह आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है। हाँ, वो लेसन पूरे आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स है, तो उसमें आपको यहाँ पे ये बेसिकली पढ़ लेंगे तो चैप्टर्स की स्टडी आपके लिए ईजी रहेगी। ये इंडेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा एग्जाम्पल के साथ, इसे लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा और सबके कॉमन नेम के साथ साइंटिफिक नेम ज़रूर याद कीजिएगा। इसके सिवाय फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवर्म का भी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ तक हमने पढ़ लिया टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में आता है कि टैक्सोनॉमिकल कीज, कि हम टैक्सोनॉमी की जो हमने स्टडी की उसका पूरा क्लासिफिकेशन किया, वो किस बेस पे किया, उसकी टैक्सोनॉमिकल कीज होती है। तो टैक्सोनॉमिकल कीज मीन्स जिसके बेस पे हम स्टडी करते हैं, हाँ वो वाले सोर्सेज जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें अगर स्टडी करनी है किसकी, बायोलॉजी लैब में जा कर के प्लांट और एनिमल की, तो वहाँ पे हमारे स्पेसिमेंस रखे हुए प्लांट के, तो उनकी स्टडी करके मैं आपको बताऊँगी कि ये ब्रायोफाइटा है, इसका ये साइंटिफिकली नेम है, एनिमल के अंदर ये कॉकरोच है, इसका पेरिपेंटा अमेरिकाना इसका नाम है। तो इस तरह से हम जिस अपन एपेटस के थ्रू या जिस हम किसी बुक्स या अपन कई बॉटनिकल गार्डन गए वहाँ पे प्लांट्स की स्टडी की, अपन कई जू गए तो वहाँ पे हमने एनिमल्स देखे, नेशनल पार्क नेशनल सेंचुरीज में गए, तो इनके सबके थ्रू अगर हम अपनी स्टडी करते हैं साइंटिफिकली प्लांट और एनिमल की, तो वे सभी कहलाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अंडरस्टैंड, टैक्सोनॉमिकल एड्स AIDS। और वो कौन कौन से होते हैं जिसे हम अपनी स्टडी करके इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें फर्स्ट है आपके हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम, हर्ब मीन्स किस में आता है, जो प्लांट मेडिसिनल प्लांट होते हैं, नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस जिससे विक्स बनता है, हाँ मेहंदी, ये सभी हर्ब्स जिससे मेडिसिनल प्लांट होते हैं वे स्मॉल प्लांट, वे सबके सब हर्बेरियम कहलाते हैं। तो अब इसको इसकी स्टडी करनी हमें, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कि हमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर जगह, जैसे हमें स्टडी करनी है एक हर्बेरियम प्लांट तुलसी की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पर बैठे अभी क्लास में तो वहाँ पे हमारे पास उसका प्लांट हो, या हम उठ करके कहीं पे उसका प्लांट देखने जाए फिर मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन करूँ। तो इसके लिए आइडिया होता है कि हम ऐसा एक प्रिजर्वेटिव बना के रखते अपने पास कि स्टूडेंट को उसे दिखा करके उसके सारे जो लीव्स है किस तरह की है उसकी रूट उस सब की स्टडी कर सकते। तो ये हर्बेरियम को स्टोर करने के लिए किस तरह से उसका टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाते हैं यहाँ पे देखिए। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स एंड शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज एज रेडी रेफरेंस इन साइंटिफिक स्टडी। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आपको किसी भी हर्ब की स्टडी करनी है तो उसका एक प्लांट होता है इस तरह का लीजिए, उसके साथ में उसका स्टेम और उसकी लीव्स भी आ जाए, और फिर उसको एक शीट के अंदर ड्राई कर लीजिए बटर पेपर के अंदर, और ड्राई करने के बाद एक इंसेक्टिकुलर उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए, फिर इसको जिलेटिन पेपर के अंदर या किसी चार्ट पेपर पे लगा के जिलेटिन पेपर के अंदर एक शीट को कवर कर लीजिए। तो यहाँ आपके एक प्रिजर्वेटिव हो जाएगा। और ऐसे हर्ब्स जो होते हैं तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस, मिंट, ये सब लेकर के आप इसकी बॉटनिकल स्टडी कर सकते हैं। तो यह कहलाता है हर्बेरियम शीट जिसे हम प्रैक्टिकल में भी बनाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो यह एक टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गया कि हम किस तरह से हर्ब की स्टडी कर सकते हैं, उसके प्लांट को किसी जगह पर जाकर देखने से बेटर कि हमारे पास में एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। अगर हमें बहुत सारे ट्रीज की एक साथ स्टडी करनी है कि फ्लावर वाले कौन से है, विदाउट फ्लावरिंग ट्री कौन से है, या पी प्लांट कौन सा है, मस्टर्ड कौन सा है, चाइना रोज कौन सा है, सनफ्लावर कौन सा है, तो हमें एक बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये सारे प्लांट की स्टडी हो जाएगी। तो यह भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये देखिए बॉटनिकल गार्डन, इसके अंदर हम स्टडी कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट स्पीसीज इन फॉर्म ऑफ गार्डन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड एंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ।
इस तरह से देखिए बहुत बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन हैं। जैसे हम गुजरात में सूरत में रह रहे हैं तो यहाँ पर अराजन के आगे उगत में है स्नेह रश्मि बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पे हम हर साल मैं स्टूडेंट्स को ले जा कर के प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे 11th और 12th के स्टूडेंट्स को उसकी स्टडी करवाती हूँ कि अगर तुम्हें बॉटनी के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैंने स्पेसिमेंस रखा है एक लैब में, लेकिन आपको अच्छे से पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत छोटे रूप में स्टोर है। आपको एक लार्ज स्केल पर अच्छे से उसकी स्टडी करनी है तो बॉटनिकल गार्डन में आपको एज इट नेचुरल ग्रो हुए ट्रीज प्लांट मिलेंगे, जिसका आप लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसा है, रूट कैसी है, वो सारी स्टडी उसको देख के कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हमारे इंडिया में है, जिसमें अपने को 2-3 प्लेस यहाँ पे दिए और आपकी जो टेक्स्ट बुक है 11th की उसमें बहुत सारे मेंशन किए हुए हैं, तो वह सभी आप लर्न कर लीजिएगा के MCQs और 1 mark के लिए। ओके स्टूडेंट, बॉटनिकल गार्डन आपको समझ में आया, टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसे हम प्लांट्स की मैनी डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी एक जगह पर जाके कर सकते हैं। अब म्यूज़ियम क्या होता है कि जहाँ पे ओल्ड थिंग्स को प्रिजर्व करके स्टोर किया हुआ होता है, हमारे साइंस के लिए भी ऐसे म्यूज़ियम्स होते हैं। उसमें क्या रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज मे बी प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस विद फॉर्मेलिन, स्पेसिमेंस मे ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस इंसेक्ट्स एंड स्टफ्ड लार्ज एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ एनिमल मे बी ऑल्सो एज म्यूजियम स्पेसिमेन यूज्ड एज एक्चुअल मटेरियल फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेंस के अंदर जो फॉर्मेलिन नाम का सॉल्यूशंस होता है उसमें वो कभी लाइव एंड ओरिजिनल एनिमल्स, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग रखा है, कॉकरोच रखा है, हाउस फ्लाई रखी है, बटरफ्लाई रखी है, लिजार्ड रखी है, और प्लांट्स के अंदर एक बायोफाइट प्लांट रख दिया है, एक मार्स का प्लांट रख दिया है, एक फंगी रख दी है, तो ऐसे स्पेसिमेंस बोतल होती है कांच की जो आपके बायोलॉजिकल लैब में है, तो उसमें वहाँ पे बॉटनी के और जूलॉजी के इस तरह के स्पेसिमेंस रखे होते फॉर्मेली नाम के सॉल्यूशंस के अंदर प्रिजर्व करके जो 7 से 8 साल तक एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, जिसकी स्टडी करके स्टूडेंट जो ओरिजिनल होते प्लांट किस तरह के ओरिजिनल एनिमल उसकी स्टडी उसको कर सकते, तो ऐसे स्टोरेज जो होते हैं वह म्यूज़ियम कहलाते हैं। और हमारी लैब भी खुद एक म्यूज़ियम का वर्क करती है, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्केलेटल बना करके भी रखा होता है कि जिसको देख करके जो स्टूडेंट्स है वह बता सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर से पूरी एनाटोमी स्केलेटल की इस तरह से दिखती है, इतनी बोन्स होती है, वह कहाँ कहाँ पे अटैच होती है, तो हमारी स्टडी के लिए ईजी पड़ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे क्या हुआ था, हर्बेरियम, सेकेंड बॉटनिकल गार्डन, थर्ड म्यूज़ियम, नाउ फोर्थ जो है वह क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, एग्जांपल एलीपुर जू कोलकाता वेस्ट बंगाल, नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे जू होते हैं या नेशनल पार्क्स या नेशनल सेंचुरीज होती है, जहाँ पे जो एक्सिस्टेंस एनिमल्स होते हैं मे बी एक्सिस्टेंस, तो डेंजर लाइन में, जैसे हम बोल रहे हैं सेव टाइगर, तो टाइगर के लिए एक सेंचुरी बनाई है, वाइल्ड जितने भी वाइल्ड टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे वो आराम से रह सके, खा सके, उनको कोई भी हंट नहीं कर सके, शिकार नहीं कर सके, वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके, तो उनको टाइगर को सेव करने के लिए एक नेशनल सेंचुरी बना दी है, एनिमल एक नेशनल एनिमल पार्क बना दिया है जो गवर्नमेंट के अंडर में प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो इस तरह के जूलॉजिकल पार्क्स भी बनाए गए हैं। जैसे हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में भी है गीर नेशनल पार्क, जहाँ पे लायंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो कई टाइगर को सेव करके, तो कहीं पर कौन से जो वाले ऐसे बर्ड्स है जो कि मे भी फिनिश है, जैसे राजस्थान में भरतपुर गाना विहार बर्ड सेंचुरी, जिसमें बर्ड्स को वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो इस तरह से जो ऐसे एनिमल्स है जो जिनको कहाँ पे आ गए, एकदम रेड डेटा बुक में आ गए, जिनकी स्पीसीज बहुत कम रह गई है, कभी फिनिश नहीं हो जाए आगे, जैसे डायनासोर फिनिश हो गए, तो इस तरह से उनका एक्सिस्टेंस बनाए रखने के लिए उनको जूलॉजिकल पार्क्स में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ वाले कहलाते जूलॉजिकल पार्क, जिसके अंदर जो भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं जिनको देख करके भी हम वहाँ पर एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जूलॉजिकल पार्क्स
इसमें आपके बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क से हमारे इंडिया में, जिसके दो तीन एग्जांपल मैंने दिए थे, और इसके सिवाय आप बुक्स में से भी देख लीजिएगा जहाँ पे एनिमल्स को कहाँ पे फूड हैबिट, उनके बिहेवियर और लाइफ साइकिल, और जहाँ पे उनका एडेप्टेशन एनवायरमेंट हो वहाँ पे उन्हें रखा जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हमने कीस, अब लास्ट की हमने कीस पढ़ ली थी, टेक्सोनॉमिकल एड्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स, कोल्ड एस कपलेट एंड कपलेट हैज टू अपोजिट स्टेटमेंट इच कोल्ड लेड एंड सेपरेटेड कीज फॉर सेपरेटेड टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर इज नीडेड यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ये हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स जितने भी पढ़े थे इनको कपलेट्स यानी हम दो की कैटेगरी में रखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है कपलेट होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों मिक्स हो गए, अब इनको अलग अलग कर दिया। एक में हम सिर्फ इसकी किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम ओनली एनिमल्स की, तो वह कहलाएगा फोना, FAUNA फोना, और जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं ओनली प्लांट्स की वो कहलाएगा फ्लोरा। अंडरस्टैंड, तो यह इस तरह से कपलेट टू अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गए, टू अपोजिट इनकी स्टडी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो आज का लेसन यहाँ तक आप अच्छे से वेल प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, फिर कल मैं आपको एक लास्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके ये लेसन फिनिश कर दूँगी। ये मैंने आपको 11th में आपके अगर बुक से आप थोड़ा पढ़ेंगे, अभी थियोरिटिकल था पूरा ये लेसन आपका फर्स्ट, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इजी नोट्स अपने प्रिपेयर करके एक इजी लैंग्वेज में बना के यहाँ पे समझाया है। अब इसके बाद में आप इसको बुक से स्टडी कीजिए, ओके, जिसमें नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल जो भी बुक में दिए हुए हैं उन सबको एग्जाम्पल के साथ में लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।